अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन से हिसाब की हवा आ रखी है, फिलहाल हवा इतनी तेज़ चल रही ना कि पतंग कंट्रोल नहीं हो रही है। नीचे से मेरी पतंग है, ऊपर से अपोनेंट है, और भी पतंगें आपको दिख रही होंगी। अपोनेंट रखा मैंने बाहर, खींची फिर रोकी, फिर खींच के रोकी है, उसकी पतंग गायब हो गई है यार। फिर ऊपर को निकली और काट दिया वाला पेज, एक और पेज, नीचे से मेरी, ऊपर से अपोनेंट, बाहर की खींची है और पतंग फट गई है मेरी, दोनों चक्कर दे रहे हैं, ये वाला पेज भी काटा है, हालांकि पतंग मेरी फट चुकी है। तो यहाँ पे पेज लड़ता हुआ और पहला पेज चल रहा है, नीचे से मेरी पतंग रेड सर्किल के अंदर और जो हमारा अपोनेंट है उसकी पतंग आपको ब्लू सर्किल के अंदर दिख जाएगी ऊपर से। ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लड़ा रहा है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज। डाल दिया चक्कर, डाले, फिर पेज बच गया। और जब जब हवा तेज़ चलती है ना पतंग कंट्रोल में नहीं आती है। भाई हवा काफ़ी तेज है, बाहर की खींची है फिर रोक ली, फिर वेट करा, फिर बाहर की खींची, लेकिन फिर अपोनेंट ने अंदर का रुख दिखाया, फिर मैंने पतंग रोकी है। अपोनेंट पतंग ऊपर की उठा रहा है, मैंने बाहर की खींची और अब किया यार ये वाला पेज बहुत देर के बाद हमने काटा है, लेकिन फाइनली हमने पतंग काट दिया। तो पेज कैसा लगा लाइक करो यार, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, करो। और स्लो मोशन में तो हम बता रहे हैं कि वाला पेज हमने कैसे काटा है, तो स्लो मोशन में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पतंग हमने चढ़ा के रख दी थी और मुझे पता था अपोनेंट ने तो गद्दा मारेगा सीधा निकलेगा, तो अपोनेंट बाहर की सीधा निकल रहा था। ये देखो अपोनेंट बाहर की पतंग सीधी उठा रहा था, मैंने डोर छोड़ के और जो बाहर की पतंग खींची है उसका झोली काट दी हमने यहाँ पे। तो पहला पेच काटा इस तरीके से, यहाँ पे चलता हुआ आज का सेकंड पेज रेड सर्किल में मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्किल के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से, काफी लंबा पेज चल रहा है ये वाला। अपोनेंट ने गद्दा रखा है, फिर मैंने पतंग बचाई और ज्यादा जगह बना रहा हूँ, सीधी खींची और चक्कर ही काट दिए। अपोनेंट को लगा कि मैं शायद रोक के दोबारा बाहर की खींचूंगा, लेकिन डोर इतनी ज़्यादा वहाँ पे करीब थी ना कि मैंने सीधा खींच के यला पेज आराम से काट लिया। यहाँ पे एक और मेरा पेज चल रहा है, नीचे से हमारी पतंग राइट साइड के अंदर, ऊपर से अपोनेंट आ रखा है ब्लू साइड के अंदर, हवा मेरे राइट हैंड साइड की तरफ भाग रही है बहुत तेजी में, पतंग पटकी उसने, मैंने अंदर का रुख दिखाया था, लेकिन अब की बार अच्छा पेज काट दिया। थोड़ी दिक्कत ये भी रह गई कि मेरी पतंग थोड़ी सी छोटी रह गई थी और छोटी रहने के वजह से ये वाला पेज मेरा कटा है। अब यहाँ पतंगबाजी देख लो, हवा काफ़ी तेज़ है लेकिन पतंगबाजी अच्छी खासी हो रही है। ये देखो मेरे सर के ऊपर पेज चल रहा है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, तो ये देखो रखा ले गया भाई। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती क्योंकि एक हाथ में पतंग पकड़ो एक हाथ से वीडियो बनाओ तो दिक्कत तो होती है, लेकिन तब भी कोई नहीं, आप लोग के लिए बनाते हैं, बस लाइक वाइक कर दिया करो यार। तो जो बंदा राइट हैंड साइड से आ रखा हो नीचे से आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा ऊपर से, काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई नीचे वाले ने, खींचा सीधा खींचा, पतंग बचा रहा ऊपर वाला कटेगा, ऊपर वाला कटेगा, वो कट रहा देखो, नीचे वाले ने सीधा खींच के और जैसे अंदर का रुख रख रहा था ऊपर वाला, उसने वहीं पर ही डोर छोड़ी और एक और पेज काट दिया। अब यहाँ पे मैंने देखो एक और पतंग पार कर ली, आपको दिख रही होगी जो वाइट कलर की पतंग थी ना, बहुत दिनों से मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा यार आज पतंग लड़ाई दे रहे हैं, हवा अच्छी थी, कन्ने बंदे रखे थे। तो एक और पेज चल रहा है नीचे से हमारी पतंग के सामने जो आपको दिख रही है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा पतंगें हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी पतंग से पेज लड़ा लूँ, इसलिए किसी में भी ब्लू सर्किल नहीं कर रहा हूँ। देखो दो दो पतंगें हमसे लड़ाने आ रही हैं, सीधी खींची फिर बचा लिए, भाई एक और पतंग कटी, लपेट लूँ कैसे, नहीं नहीं रहन देते क्योंकि ऊपर से बंदा हमारी काटने आ रहा है, फिर बाहर खींची उसकी पतंग ऊपर को उठी और ये वाला पेज हमारा कट गया। जो हमारे अपोनेंट की पतंग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसने खींची बाहर की थी, लेकिन एंड टाइम में उसकी पतंग जो ऊपर को आई है और वहीं पर ही ये वाला हमारा पेज
कट चुका है। यहाँ पे आप स्लो मोशन में देखेंगे ना तो हमारी पतंग नीचे से थी, पहले अपन ने गद्दा रखा कि बाहर की खींची का, मैंने स्ट्रेट पतंग ऊपर की खींची। लेकिन अब उसकी पतंग देखो यार कितनी ज़्यादा राउंड थी, उसकी पतंग पूरी राउंड होकर ऊपर की आ गई। और जब जब ऊपर वाली की पतंग ऐसे ऊपर को उठेगी ना राउंड होते हुए, तो नीचे वाले का पेज 100 में से 80% कट जाता है, और वही मेरे साथ हुआ, पतंग वाली यहाँ पे कट गई। अब थोड़ा सा मैंने वेट करा हवा हल्की होने का, अब शाम हो गई है, सामने आप लोग देख भी सकते हैं थोड़ा सूरज नीचे ढल गया है, लेकिन हवा अभी भी हल्की नहीं हुई। लेकिन हमने सोचा पतंग तो पार करनी है हमें, तो ये वाली जिगजैग वाली एक और पतंग पार कर लिए। दिखाते हैं भाई इस पतंग से हम कितने पेज काट पाते हैं। हवा आप देख ही सकते हैं, देखो भाई कितनी तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है हवा। तो जल्दी सद्दे जल्दी बांधते हैं, डायरेक्ट आपको पेड़ उड़ा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पेज चल रहा है, तो नीचे से जो आपको पतंग दिख रही होगी रेड सर्किल के अंदर, ये मेरी पतंग रही, और जो हमारा अपोनेंट है वो ऊपर चढ़ाएगा ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की रही। पतंग हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सीधी खींची, अंदर का रुक रख रहा है, हमने पतंग डोरों पे रख ली और देखो आराम से काट दी। जब जब हवा तेज है मेरी मानो तो आप पतंग हमेशा ढील दे के लड़ाया करो, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको। अपोनेंट अपने अपनी पतंग खींचने की गलती करी और उसका ये वाला पेज कट गया आराम से। यहाँ पे एक और पेज चल रहा है रेड सर्किल में मेरी पतंग में। हवा देखो यार कितनी तेज भाग रही है, और एक बंदा आ रहा है ब्लू सर्किल अंदर लड़ाने हमसे, नीचे से आया मेरी पतंग ऊपर से रखा, बस रखते ही भाई उसकी पतंग कट गई। मांझा तो अच्छा है ही हमारा, फिलहाल फंस के तो अच्छा लड़ता ही है यार। मांझा बांधा था हमने खन्ना वाला, खन्ना जो लिया था रिव्यू भी करा था, मंजा अच्छा लग रहा फंसा के भी। एक और पेज चल रहा है, सामने से हमारी पतंग लैट सक लेंगे और आगे एक पतंग उड़ रही है। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है गया, और कन्ने फंस गए हमारे, और कन्ने फंसते ही वाली पतंग कट गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वाली वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग दोस्त में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।